हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केएल शर्मा टीचिंग यू सोशल साइंस। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स पोर्शन। स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हाउ इज एनी कंट्री कंप्राइज्ड डेवलप टू अदर कंट्रीज। कैसे एक देश दूसरे देश के मुकाबले जो है डेवलप्ड समझा जाता है। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट countries are classified developed, underdeveloped and developing countries। students, developed countries क्या है? countries with higher total income are considered to be developed countries। वो देश जिनके total income बहुत ज्यादा है उन्हें हम developed countries कहते हैं। और भी फीचर्स हैं उसके, हम बताएंगे आपको। देयर फीचर्स आर हायर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब उसके जो रहने वाले व्यक्ति हैं सिटीजंस, उनके पर ईयर इनकम क्या है इसको हम हायर पर कैपिटा इनकम कहेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी, उस देश की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस्ड है। बेटर हेल्थ स्टेटस इट मींस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब यह है कि लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, वो कितने सालों तक जीवित रहते हैं। हायर लिटरेसी रेट मतलब वहां पे पढ़े लिखे लोग की स्थिति क्या है। ये सब जो है एक डेवलप्ड कंट्रीज के फीचर्स हैं स्टूडेंट्स। और ये कंट्रीज यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान और भी सारे देश, बहुत सारे देश हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, आप बात करते हैं, ये तो डेवलप्ड कंट्री की बात की है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मतलब कि कंट्रीज विद लोअर टोटल इनकम, जिनकी जो टोटल इनकम है वो बहुत ही कम हो। हम चर्चा करेंगे बाद में कि कितनी होनी चाहिए एक डेवलप्ड कंट्रीज की और डेवलपिंग कंट्रीज की, ठीक है। लेकिन पहले इसको समझते हैं कि कंट्रीज विद लोअर टोटल इनकम आर कंसीडर्ड टू बी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इनके फीचर्स क्या है। अब इस डेवलप्ड कंट्रीज के फीचर्स के जस्ट अपोजिट इनके फीचर्स होंगे, जैसे लोअर पर कैपिटा इनकम, यहाँ के नागरिकों की जो है इनकम जो है बहुत ही कम है। हेल्थ स्टेटस भी बहुत ही खराब है। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बैकवर्ड है। और लोअर लिटरेसी है, ऐसे जापान जो है, माली है, चाड है, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्रीज नॉट डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्रीज आर मतलब कि दे हैव नॉट डेवलप्ड, वो उन्होंने अभी डेवलप नहीं किया है। But they are running in process of development। वो विकास के दौर से गुजर रहे हैं, यानी उन देश में विकास चल रहा है। They are improving their per capita income, technology and their citizens literacy rate। और ये देश हैं जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया और भी बहुत सारे देश। तो I hope कि आपको developed countries, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के मायने समझ में आए होंगे। वी विल डिस्कस इट मोर अबाउट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।